कैसा हो भाइयों, आई होप गाइस यू आर फाइन। तो यार मिर्जापुर वेब सीरीज कब देखने के लिए मिलने वाली है यार? इसे 2 साल से ज्यादा हो गए, हम कह रहे हैं यार इस महीने आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन ये सीरीज तो हम लोग को आने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि मैंने इस चैनल पर 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स वीडियो, जो कि मेरी तुक्के से वायरल हो गई, 2-2.5 लाख उस पर व्यूज आ गए। और यार मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2022 के एंड में देखने के लिए मिल जाएगी। एटलीस्ट यार आप ये तो मान ही सकते हो कि हाँ उस वीडियो के अंदर मैंने कहीं ना कहीं तो ठीक ही बताया था। लेकिन बात ये रही कि यार अब हम लोगों को ये मिर्जापुर का सीजन 3 कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो भाई देखो, मेरा एक नया चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बात दरअसल ये है कि यार मैं उसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं मिर्जापुर से रिलेटेड। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट, जो अपडेट निकल के आया है, तो उसके अंदर कुछ दिन पहले तो यह बताया जा रहा था कि भाई इसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पर अली फजल जो है अपनी एक शूटिंग करते हुए हमें देखे थे, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन हाँ, अब नए अपडेट के बारे में क्या बताया जा रहा है, नया अपडेट क्या निकल के आया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि गाइस मिर्जापुर का सीजन 3 एज अ रूमर्स अभी यह बताया जा रहा है कि हम लोग को 12 नवंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा 2023 की, 12 नवंबर नहीं बल्कि 2022 की, इसी साल की 12 नवंबर को हम लोग को यह देखने के लिए मिल सकता है। यार और भी बहुत सारी मच अवेटेड वेब सीरीज हैं जिनका हम लोग को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, लेकिन वो हम लोग को 2022 में तो नहीं देखने के लिए मिलने वाली है, वो तो भाई 2023 की एंडिंग में ही देखने के लिए मिलेंगी। स्क्विड गेम का सीजन 2, ऑल ऑफ अस डेड का सीजन 2, और भी सारी हैं यार, मैं आपको कौन कौन सी बताऊं, स्वीट होम भी है, इतनी सारी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की, इन्हें तो हम अलग ही देखेंगे। लेकिन यार मिर्जापुर के लिए बड़ा ही सस्पेंस हम लोगों के अंदर छुटा हुआ है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वेब सीरीज ने हमारे लिए ये छोड़ करके गई है कि यार इसके अंदर हमारे मुन्ना भैया देखने के लिए मिलेंगे या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए यही है कि भाई इसके अंदर जो है मिर्जापुर के अंदर है, मुन्ना भैया वापस आएंगे या नहीं। अगर मुन्ना भैया वापस आया तो भाई हम इस सीरीज को देखेंगे, अदरवाइज भाड़ में जाए। बिकॉज ऑफ वाइज मुन्ना भैया ने जो सीजन 2 की और सीजन 1 की मारी ना रख करके, भाई कोई वेब सीरीज के अंदर इतना तगड़ा करेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिल ही नहीं सकता। और सबसे तगड़ा विलन ही मुन्ना भैया को दिखाया गया है, फिर भी देखो यार हमारी चॉइस क्या है, मुन्ना भैया आएंगे या नहीं। इसके ऊपर तो कोई खास रूमर्स निकल के नहीं आया है, बाकी फैन थ्योरीज तो दबा के निकली थी, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है कि भाई मुन्ना भैया वापस आएंगे या नहीं। और हालांकि अगर देखा जाए प्रीवियसली जो इसके शूटिंग जो लीक्स वायरल हुए थे, उसके अंदर तो भाई देखो अभी केवल और केवल हमारे पंकज पार्टी से रिलेटेड मीम्स वायरल हुए थे, मतलब कि रील्स वगैरह वायरल हुई थी, और साथ ही हमारे अली फजल से रिलेटेड ही चीजें चल रही थी, लेकिन मुन्ना भैया से रिलेटेड तो हमें कुछ भी नहीं देखने के लिए मिला था। वैसे दोस्तों यार ऑब्वियसली आप तो चाहते ही हो मिर्जापुर वेब सीरीज के अंदर देखने के लिए मिले, वैसे हाँ अगर नहीं चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि वो कौन से भाई के भाई मुन्ना भैया को नहीं देखना चाहते हैं। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि गाइज अगेन ये हम लोगों को 12 नवंबर तक देखने के लिए मिल सकती है एज अ र्यूमर्स, बाकी उसके बाद जो भी अपडेट निकल के आता है या छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में लगेगी तो उसे मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसे जानने के लिए आप मेरे चैनल फैक्ट ट्रेंड्स को, सॉरी फैक्ट ट्रेंड्स नहीं, ये मेरा पहले वाला चैनल था, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा ऐसी रोचक जानकारी की अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।